Welcome, my ladies. Welcome to the world of translation. Tenses. Today, I am going to dictate you some sentences of present tense, past tense, and future tense. Please write number one. वह बाजार जाता है. Please write this. The sentences in Hindi. I am going to dictate you. Number one. वह बाजार जाता है. वह बाजार जाता है. नाउ नंबर टू. वह बाजार जाता था या वह बाजार गया. वह बाजार जाता था. नंबर वन. वह बाजार जाता है. नंबर टू. वह बाजार जाता था. नंबर थ्री. वह बाजार जाएगा. वह बाजार जाएगा. गा. वह बाजार जाएगा. नंबर वन. वह बाजार जाता है. नंबर दो. वह बाजार जाता था या वह बाजार गया. नंबर थ्री. वह बाजार जाएगा. वह बाजार जाएगा. प्रेजेंट टेंस. वह बाजार जाता है. पास्ट टेंस. वह बाजार जाता था या वह बाजार गया. नंबर थ्री. वह बाजार जाएगा. फ्यूचर टेंस. भविष्यकाल. वह बाजार जाता है. ही गोज टू मार्केट. वह बाजार जाता था. ही वेंट टू मार्केट. और वह बाजार गया. ही वेंट टू मार्केट. वह बाजार जाएगा. ही विल गो टू मार्केट. विल. ही के साथ विल आता है. विल या शैल में से विल. ही विल गो टू मार्केट. Just you please write Hindi sentences. Now second. Second means second set of sentences. Number four. Rohan school नहीं जाता है. Rohan school नहीं जाता है. It is present tense. Present में भी it is present indefinite tense. Rohan school नहीं जाता है. Rohan school नहीं जाता है. Please write. Come on. Rohan school नहीं जाता है. Now we go for past. Mohan school नहीं जाता था. Mohan school नहीं जाता था. Number five. Mohan school नहीं जाता था. था. Past tense. Did not. नंबर सिक्स. रोहन स्कूल नहीं जाएगा. रोहन विल नॉट गो टू स्कूल. रोहन स्कूल नहीं जाएगा. रोहन स्कूल नहीं जाता है. रोहन स्कूल नहीं जाता था. रोहन स्कूल नहीं जाएगा. रोहन स्कूल नहीं जाएगा. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस. रोहन स्कूल नहीं जाता है. रोहन डज नॉट गो टू स्कूल. रोहन स्कूल नहीं जाता था. रोहन डिडंट गो टू स्कूल. डिड नॉट गो टू स्कूल. एंड रोहन स्कूल नहीं जाएगा. रोहन विल नॉट गो टू स्कूल. नाउ गो टू थर्ड सेट ऑफ सेंटेंस. नंबर सेवन. नंबर एट. नंबर नाइन. नंबर सेवन. नंबर एट. नंबर नाइन. नंबर सेवन. क्या सीता मंदिर जाती है. 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 क्या सीता. स के ऊपर बड़ी की मात्रा. ते आता सीता मंदिर. मैं के ऊपर न. दे के ऊपर छोटी की मात्रा. रा. मंदिर जाती है. क्या सीता मंदिर जाती है. नंबर सेवन. इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नाउ वी गो फॉर पास्ट इंडेफिनिट. क्या सीता मंदिर जाती थी या क्या सीता मंदिर गई. क्या सीता मंदिर जाती थी या क्या सीता मंदिर गई. क्या सीता मंदिर जाती थी. नंबर एट. क्या सीता मंदिर जाती थी. नंबर एट. नाउ नंबर नाइन. फ्यूचर टेंस. क्या सीता मंदिर जाएगी.
क्या सीता मंदिर जाएगी? कम ऑन, इफ यू आर अनेबल टू राइट द सेंटेंसेज योर सेल्फ प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर. कम ऑन, क्या सीता मंदिर जाएगी? नंबर 9, क्या सीता मंदिर जाएगी? क्या सीता मंदिर जाती है? क्या सीता मंदिर जाती थी? क्या सीता मंदिर जाएगी? नाउ नेक्स्ट, मोहन क्यों मदद करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव, मोहन क्यों मदद करता है? मोहन क्यों मदद करता है? नंबर 10, मोहन क्यों मदद करता है? प्लीज राइट, मोहन क्यों, क्योंकि ऊपर अंक की बिंदी जरूर आती है, मदद करता है. मोहन क्यों मदद करता है? नाउ द नेक्स्ट इन पास्ट टेंस, मोहन क्यों मदद करता था? मोहन क्यों मदद करता था? 11 नंबर, मोहन क्यों मदद करता था? मोहन क्यों मदद करता था? 11 नंबर. 10 नंबर, मोहन क्यों मदद करता है? इट इज इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नाउ इट इज मोहन क्यों मदद करता था? इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, करता था. नाउ द नेक्स्ट 12 नंबर, मोहन क्यों मदद करेगा? मोहन मदद क्यों करेगा? मोहन क्यों मदद करेगा? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, मोहन क्यों मदद करेगा? Why will Mohan help? Why will Mohan help? मोहन क्यों मदद करेगा? मोहन क्यों मदद करता है? मोहन क्यों मदद करता था? मोहन क्यों मदद करेगा? It is present, past, future. Now 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13 number. क्या वह नहीं लिखता है? इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव. क्या वह नहीं लिखता है? क्या वह नहीं लिखता है? थर्टीन नंबर, क्या वह नहीं लिखता है? नेक्स्ट में था कर दीजिए. क्या वह नहीं लिखता था? पास्ट, क्या वह नहीं लिखता था? क्या उसने नहीं लिखा? क्या वह नहीं लिखता था? क्या उसने नहीं लिखा? एंड नाउ वी गो फॉर द फ्यूचर. क्या वह नहीं लिखेगा? क्या वह नहीं लिखेगा? इट इज फ्यूचर. क्या वह नहीं लिखेगा? 15 नंबर, क्या वह नहीं लिखेगा? क्या वह नहीं लिखेगा? क्या वह नहीं लिखता है? क्या वह नहीं लिखता था? क्या वह नहीं लिखेगा? Now 16, 17, 18. 16, 17, 18. राहुल क्यों नहीं नाचता है? प्लीज राइट, राहुल क्यों नहीं नाचता है? 16 नंबर, राहुल क्यों नहीं नाचता है? नेक्स्ट पास्ट टेंस, राहुल क्यों नहीं नाचता था? राहुल क्यों नहीं नाचता था?
राहुल क्यों नहीं नाचता है? राहुल क्यों नहीं नाचता था? राहुल क्यों नहीं नाचेगा? 18 नंबर, राहुल क्यों नहीं नाचेगा? These sentences are a combination of present, past and future tense. राहुल क्यों नहीं नाचेगा? राहुल क्यों नहीं नाचता है? राहुल क्यों नहीं नाचता था? राहुल क्यों नहीं नाचेगा? नाउ इट इज कंटिन्यूअस. अमन फल खा रहा है. नाउ द 19th, 20th, 21st. अमन फल खा रहा है. अमन फल खा रहा है. अमन फल खा रहा है. अमन इज ईटिंग द फूड फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट. अमन फल खा रहा है. 19 नंबर, 20th नंबर. अमन फल खा रहा था. अमन फल खा रहा था. अमन फल खा रहा था. एंड इन फ्यूचर अमन फल खा रहा होगा. अमन फल खा रहा होगा. विल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग, विल बी और शैल बी प्लस ईट प्लस आई एन जी, विल बी ईटिंग. अमन फल खा रहा है. अमन फल खा रहा था. अमन फल खा रहा होगा. अमन फल खा रहा होगा. नेक्स्ट 21, नॉट 22, 23, 24, 22nd, 23rd, 24th. 22nd, लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे. हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द प्रेजेंट टेंस. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं. हैं के ऊपर अंक की बिंदी है. प्लीज, लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पास्ट. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे. एंड 24th, लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे. फ्यूचर टेंस. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे पास्ट टेंस. लड़के अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे इट इज फ्यूचर टेंस. नाउ माय डिटेल्स, दिस एक्सरसाइज इज ओवर. यू विल गेट द आंसर्स इन द इवनिंग. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.